शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अटेंशन अटेंशन, अरे सुनिए, इस पिक्चर की कहानी सच्चाई पे आधारित नहीं है, हो भी सकती है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन आपने अगर उल्टी सीधी हरकत की तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। की चाहिए? आपका वक्त चाहिए मैडम, बस 5 मिनट। आ देखो कुछ बेचना है तो दफा हो जाओ तुरंत। अरे सुनिए ऐश्वर्या जी, आप तो बुरा मान रहे। ऐश्वर्या? कौन है ऐश्वर्या? ना ना, आई एम मिसेज काजोल मुखोपाध्याय। माय मिस्टेक। वो क्या है ना, आपको देखकर हमको देवदास की ऐश्वर्या राय याद आ गई। वही चेहरा, वही लिबास, वही अदाएं, पर ये हाथ, ये हाथ कुछ जमे नहीं मैडम। हाथ मने? अरे हाथ मने, आप कौन सा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करती हैं? हेमा वॉशिंग पाउडर। हेमा? अब देखिए, ये हेमा ने आपके हाथों की रीटा जाए और सुषमा कर दिया। पर आप घबराइए मत, इसका भी इलाज है गुड्डू के पास। Myself, गुड्डू। ये है गुड्डू, चंपारण बिहार से, करते हैं वॉशिंग पाउडर का व्यापार और भाभियों से प्यार। ये देखिए मैडम, वॉशिंग पाउडर नंबर 5। बस चुटकी भर वॉशिंग पाउडर मैडम, चुटकी भर। पानी में मिलाया, हिलाया, झाग 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 बनाया, अपने कपड़े उतारे। मेरा मतलब है पानी में डाले, थोड़ा रगड़ा, थोड़ा धोया और फिर निचड़ा 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 निचड़ा। बस फिर क्या है, आपके कपड़ों में सफेदी जैसे नमक, हाथों में लचक और चेहरे पे चमक लौट आएगी। सच? अगर आप कहें तो हम आपको डेमो दे दे। तुम ही काज पे। सॉरी, मेंशन नॉट। वाह, तुम तो अनेक अच्छा कपोट धोता है गुड्डू। में बड़े बड़े गुण है मैडम, हमारे तो सारे दोस्त और घर वाले ही कहते हैं, बेटा गुड्डू जिससे भी तुम शादी करोगे ना, वो बहुत खुश रहेगी। और यदि किसी शादीशुदा लेडी को खुश करना हो तो उसका भी कोई गुण है तुम्हारे पास? उसके लिए गुण नहीं, गन की जरूरत होती है। एक्सक्यूज मी। और गुड्डू की गन खरा सोना है। सोने का भाव तो बहुत बढ़ गया है ना? अरे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे ना, आप टेंशन काहे लेती हैं? एक वॉशिंग पाउडर के साथ गुड्डू फ्री। वैसे ये मिस्टर मुखोपाध्याय का बात है, वो तो बहुत जल्दी आ जाता है। इधर टीवी पर विज्ञापन शुरू हुआ नहीं, उसका प्रोग्राम खत्म हो गया। अरे हमारा मतलब है कि वो घर कब आते हैं? ओह, तो सूरज ढलने के बाद। मतलब हमारे पास सूरज ढलने तक का वक्त है। Thank you.
हुकूमत का फन यह गुड्डू की गन बड़े बड़े सूर में है गली 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 में गुड्डू की गन जो चले रहे खलबली में बड़े बड़े सूर में है गली 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 में गुड्डू की गन जो चले रहे खलबली में मेरी अरे हाँ सर पे चढ़ने वाली जवां फीलिंग तेरी के मुझे मार गई हर एक अदा किलिंग तेरी एक तो तुम बिना नोटिस का आता है ऊपर से इतना भूकंप लाता है आज ही सरकार गिराने का इरादा है क्या अरे तुम्हारे जादू से सरकार क्या पीसी सरकार भी गिर जाएगा डीवीडी बोलो डीवीडी बोलो हॉलीवुड से बॉलीवुड तक धूम से धूम इन द बेडरूम तक हाँ सविता भाभी से जमाई राजा तक सब मिलेगा स्वामी तो बोलो अरे लड्डू केवन अच्छे बनर्जी बाबू क्या देखिएगा वो हमारे घर में ना रिश्तेदार आया हुआ है तो सिनेमा देखने को बोला अच्छा तुम्हारे पास वो रेखा पिक्चर है रेखा डीवीडी हाँ, हाँ। ये लो रे स्वामी तो बोलो रेखा पिक्चर दिखाओ अरे ये ब्लू रे दादा ब्लू रे एकदम क्लियर पिक्चर आर पार सब दिखेगा दोबोंग दबोंग ये चुलबुल पांडे ऐसा बेल्ट हिलाएगा तुम्हारा घर में सब हिल जाएगा ओ ठीक है टक टक पिक्चर अच्छा निकलो दादा निकलो ये चिरकुट आ गया फिर ऐसी हैं हैं जी तुम्ही के के पायरेट्स ऑफ कोलकाता अरे परेसी नहीं करता है हम मनोरंजन करता है दादा आप आइए ना आपका भी मनोरंजन करे काहे नाराज हो रहे हैं पकड़िए तो इसको रहने दे इसके बदले हमको अच्छा वाला डीवीडी दे ऊ वाला जिसमें कोई कपड़ा ना पहना हो वो वाला ये लो ये कुंभ का मेले में नागा साधु पे डॉक्यूमेंट्री है इसमें सब नंगे बढ़िया है ना बहुत बढ़िया चलो चलाते हैं ये है लड्डू गुड्डू के यार फिलोसोफर और गाइड हमेशा करते उन्हें मिस गाइड उनसे 2 फुट लंबे हैं और बहुत बड़े अचंभे हैं हाँ भरोसा ले हमारी भी ये और डालो अरे बस उल्लास बकवास तुम्हारी माँ का कौन सी दारू है साले काला सांड तुम बूढ़े आदमी से काले सांड पे आ गए हो अरे गुड्डू भैया हमारा धंधा एकदम बैठ गया है पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम है साला ये तो चीटिंग है ना क्यों हमारी बारी जब आती है तब तुम्हें विदेशी दारू चाहिए और अपनी बारी में ये काला सांड साले मारनी तुम्हारी अरे गुड्डू भैया ये डाउनलोडिंग ने पूरा धंधा डाउन कर दिया है अरे छोड़ो यार तो कोई साला डीवीडी नहीं ले रहा है सब डाउनलोड कर रहा है आप देखिए ना अभी एक बहुत सॉलिड हाथ मारे बहुत माल आने वाला है सही में कहा कि लड्डू तुम किसी की मारने का प्लान बनाए हो ना अरे ये देखिए ना हम दोपहर को मुखोपाध्याय के घर में डीवीडी छोड़ने के लिए गया उधर खिड़की से देखा सारा सीन चालू था दिखाओ दिखाओ हमको भी दिखाओ आप हमारा प्रतिभा को नहीं ना समझते हैं छोड़ो हमको दिखाओ मिसेस मुखोपाध्याय अरे हम जानते हैं इनको कैसा हंस रही है देखो लेकिन ये अबे हीरो पहचान का है साले सुग्रीव के सेनापति गधों के प्रजापति अरे अबे तुम साले हमारे गेम कर दिया अरे काहे अबे उल्लू ए हम है ये देखो ये आप हैं तो फिर मर गए अरे आप धन्य हैं प्रभु
हमको लगा मुखोपाध्याय बहुती के साथ में कबड्डी खेल रहे हैं। हमको क्या मालूम था आप वहाँ जाके खो खो खेल रहे हैं। अरे हमारा काम बनने से पहले आप जाके साला काम लगा देते हैं। हम सोचा था ये दिखा के उससे पैसा मांगेंगे। साले तुम्हारी माँ का अब किए का उसे एमएमएस के साथ दिए तो नहीं ना। अबे किए का भेज दिए ना उसको डीवीडी बना के मुखोपाध्याय को भेज दिया। वेरी गुड। काहे इतना बौरा रहे हो? आपका चेहरा नहीं ना दिख रहा है उसमें, केवल पिछवाड़ा दिख रहा है। उसका बीवी ने उंगली उठाया ना तो आप बोल देना आप नंदिता के साथ में थे। अबे कौन नंदिता? अरे आप बिना बगल में पाउडर बेच के भूल जाते हैं ना, अपने पड़ोस के बनर्जी बाबू की बीवी। अच्छा वो तो चढ़ा, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। वो तो चढ़ा, तुम हमको ये देता है दुष्ट हो। हम तो सुअर को तो मार रहे हो। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, काहे मार रहे? अरे भाग गए क्या? अरे बैठिए बैठिए, आप इधर बनर्जी बाबू बैठिए, शांत हो जाइए। अरे तुम बैठो, उल्लू का बच्चा हम नहीं छोड़ेगा उसको। हाँ ना ये पीजिए, पकड़िए काला सांड। अरे लाओ के दो ना उनको। हाँ ये पकड़िए। हाँ। हम तुमको नहीं छोड़ेगा। हाँ आप ये पकड़ो पहले, आप अब शांत हो जाइए। हुआ का है, काहे मार रहे हैं वैसे इतना? क्या हुआ? हाँ बताइए हमको। हमारा अपमान भीषण अपमान हुआ है। भीषण? हाँ। क्या हो गया? वो असले की हमारे घर में सब रिश्तेदार आया हुआ था। तो हम उसको बोला हमको एक रे का डीवीडी दो। उसने हमको चुलबुल का डीवीडी दे दिया। और जब हम घर में उसको चलाया तो अरे बात सुनिए, वो दबंग की जगह पे दबा का डीवीडी चला गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिक्सअप हो गया। हाँ मिक्सअप। हम अभी तुमको फिक्सअप करता है, इससे फिक्सअप करेगा तुमको। हाँ भीषण गोंडो को नीचे। लड्डू देखो कौन है। अरे कौन है? मैं शन्नू। कौन? मैं शन्नू। काम वाली। अरे हमारे पास कोई काम नहीं है, जाओ। अरे बाबा मैं रोज यहाँ पे आती हूँ काम करने, दरवाजा खोलो। अरे क्या घटिया पा है यार। अरे बाबा की होलो, दरवाजा खोलो यार। गुड मॉर्निंग। अकेले हो ना? हाँ अकेले हैं। जल्दी अंदर आओ, अंदर आओ। अरे कहाँ हो गया? उसको बंद करो। अरे क्या हुआ? हमारे लग गए। तुम्हारा वो टंटन अटन वहाँ सब ठीक है का? हमारा टंटन तो कब से है? वो सुबह सुबह भावुक होता है ना गुड्डू भैया, आपका अभी भी सलामी दे रहा है। ओ सीट लड्डू गड़बड़ है, भयंकर गड़बड़ है। का गड़बड़ है, दिखाइए जरा। अरे छोड़ो काहे दिखाए। अरे काहे शर्मा रहे, दिखाइए ना। अरे शर्मा नहीं रहे साले, गड़बड़ है। गुड्डू भैया हमने आपको यहाँ से यहाँ बड़े होते देखा है, दिखाइए हमको का हुआ। अच्छा लो, देखो। देखे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, साला ही हो क्या गया हमका। कुटू भैया हाँ? आपको बहुत जोरदार पीलिया हो गया, जोंडिस। पीलिया? अबे नहीं रे, पीलिया में तो पूरा बदन पीला पड़ जाता है, केवल वो नहीं। गुड्डू भैया आपको लिंग का पीलिया हुआ है, लिंग का जोंडिस। लिंग का? अरे तुम बकवास बंद करो, तुम समझ नहीं रहे हो। हमको यहाँ कोई फीलिंग नहीं आ रही, हम कुछ महसूस नहीं कर पा रहे यहाँ पे। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है आपको बहुत जोरों की फीलिंग आ रही है। अबे तुम्हें मजाक काहे सूझ रहा है बे? साले ना ऐसा ऐसा लोहे जैसा हो गया, ये देखो। तो आपका तो हमेशा से लोहे का रहा है गुड्डू भैया, हमारे महापुरुष तो आप ही हैं, आयरन मैन। भाई एक मिनट शांत हो जाओ, तुम काहे समझ नहीं रहे हो। तुम ना एक काम करो, इसको टच करो, हाथ लगाओ, महसूस करो, तुमको फीलिंग आएगी। गुड्डू भैया लगता है आपका लड़कियों से मन भर गया है, जो आप हमसे ये पाप करवा रहे हैं। लड्डू हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे, जो कह रहे हो करो। जस्ट गिव मी योर हैंड। क्या पाप करवा रहे हो? टच इट। अरे टच इट, जस्ट टच इट। अरे बाप रे, देखे साला धातु हो गया एकदम। ओए मां, अब
भैया, अभी हम मोहल्ले में जाके पता नहीं क्या क्या बोलेगी। अबे वो कहीं भाड़ में, इसका क्या करेंगे? अब इसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। डॉक्टर कौन सा? गुप्त रोग का डॉक्टर। नाम? गुड्डू, गोवर्धन प्रसाद। गुड्डू, देखते ही समझ गया था तुम बिहारी हो। डॉक्टर छाटुल दास गुप्ता का नाम बहुत अलग है, पहली बार सुने। ए, वो बोल पे मत जाओ, इट्स मिस्टेक। वो J.H. अतुल दास गुप्ता है, लिखने वाले ने गैप मिटा दिया है, टाइट कर दिया है। एज? जी 24। 24। सेक्स? मेल। चलो खोलो। डॉक्टर साहब बताइए ना क्या हो गया है? सरिता? इन्ना सर, आई एम कमिंग। ओ लेडीज, उसी अम्मा तलाईवा। उड़ी बाबा। सारिता। सॉरी सर। एनी सेंसेशन? नहीं। नो? कुछ नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। कहाँ घुमाने लगे थे इसे? जी? अरे मेरा मतलब कहाँ दे मारा था इसे? किसी दीवार में, आले में, किसी की होल में, बॉटल में, फ्रिज में, या फिर किसी डीवीडी प्लेयर में? अरे कहीं नहीं लगे थे डॉक्टर साहब। कल रात को हम सोए करके लघु शंका, और जब सुबह उठे तो ही ब्लॉक हो गया था नल का। लिंगम जाइटिस? सर वो क्या होता है? जैसे आपका गले का आवाज चला जाता है तो उसको लैरिंजाइटिस कहते हैं। ऐसे लिंग का आवाज चला जाता है तो हमारी मेडिकल साइंस में से लिंगम जाइटिस कहते हैं। सर लेकिन इनका लिंग तो पहले भी कभी बातचीत नहीं करता था। ये शो आप आवाज चला गया मतलब ताकत, स्ट्रेंथ। गुड सरिता, वेरी नाइस। पर ये पीला पीला पीतल जैसा क्यों हो गया? सर सोना, सर सोना। शट अप, डोंट बी एक्साइटेड, अभी नहीं सोना। इल्ले सर गोल्ड, इसका वो गोल्ड सर। तुम्हें कैसे पता? सर मैं साउथ इंडियन, मेरे को मालूम 100% गोल्ड। सोना? गोल्ड? सोने का लिंग? गोल्ड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर गुड्डू। थैंक यू। और करिए खरा सोना, खरा सोना। ऊपर वाले ने सुन ली आपकी। लड्डू तुम मर क्यों नहीं जाते? डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज तो बताइए ना। कुछ टेस्ट लिख दिया मैंने आपके लिए, ये आपको कराने। एक मिनट। तब तक आप ये क्रीम लगाइए उस पर, ये लीजिए। फेयर एंड मिस्टर लवली, आई मीन मिस्टर हैंडसम, इसे आप लगाइए, आपका जो ओरिजिनल कलर है पक्का आ जाएगा। सर ये क्रीम खाने से पहले लगानी, खाने के बाद? बिफोर लंच से आफ्टर डिनर तक करीब करीब 5 बार लगाना है रेगुलर, डोंट मिस। ओके डॉक्टर साहब इसे ठीक हो जाएगा ना? 100%, कोई गारंटी नहीं है।
हाँ सर तब बोलो। अखिलेश तुम्हारे लिए सुपर स्टोरी। हाँ बोलो। मानोगे नहीं मेरे पास एक केस आया है जिसमें आदमी का डेड डॉग सोने का। क्या? आर यू श्योर? डेड श्योर। सरिता अगर तुम्हारी बात सच निकली तो इस बार मुझे रिपोर्टर नंबर वन बनने से कोई रोक नहीं सकता। आई कवर दिस न्यूज़। और सुनो हम जल्दी से शादी कर लेंगे। देखो और मैं इंतजार नहीं कर सकता सरिता। अयो देखो मैं तुम्हारे साथ शादी तभी करेगी जब तुम मुझे हनीमून के लिए क्रूज पे लेके जाएगी। एग्जैक्टली सरिता मैं वही तो बोलने वाला था तुमको कि रिपोर्टर नंबर वन को सिंगापुर क्रूज के दो पासेस मिलेंगे। हम क्रूज में जाएंगे। हाउ एक्साइटिंग। जो करना है ना जल्दी करो। okay. मेरे पास डॉक्टर से भी ऑफर है। हाँ सो डोंट मिस द चांस। लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी अजब गजब खबरों के पत्रकार करते हैं सरिता से प्यार और बनना चाहते हैं खबरों की दुनिया के स्टार। देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज सर। अभी अभी मुझे एक फोन आया जिसमें एक लड़के के पास एक डिंग डोंग आई मीन डिंग डोंग। क्या डिंग डोंग? ये जो सोने का सर। सोने का? यू मीन गोल्ड? अखिलेश जिस चीज को तुम दिन भर खुजाते रहते हो उसी के ऊपर एक स्टोरी बना दिया। मैं झूठ नहीं बोल, यही सच है। तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ नहीं मेरी मंगेतर ने अपनी आंखों से देखा है सर। तुम्हारी मंगेतर लोगों का डिंग डोंग देखने का काम करती है? मेरा मतलब है कि मेरी मंगेतर जो है वो नर्स है। तो यू नो सर तो नर्स पेशेंट। अखिलेश मैं आपको अगर प्रूफ ला कर दूं तो सिंगापुर क्रूज का दो टिकट। गुड्डू भैया रातों रात आपकी वैल्यू तो बढ़ गई है। सोने का लिंग किसी ने ठीक ही कहा है सोना हमेशा ऊपर ही जाता है नीचे नहीं आता है। चुप करो साले ये हमारे लेने के देने पड़े और तुम्हें मजाक पे मजाक सूझा जा रहा है। भैया मुझे लगता है ये सब आपके लेने की वजह से ही हुआ है। साला भैंसिया की बारात में नाचूं? ये रात को हमारे साथ हुआ क्या है? अब यार इसे तो बंद करो। ए अब पे पहले से इतना कंफ्यूजन है ऊपर से प्रवचन। पुंजी का सलाह बड़ी उछल कूद कर रही है बंदरिया की तरह। जा अगले जन्म में बंदरिया हो जा। गुड्डू भैया हमको समझ में आ गया आपके साथ क्या हुआ है। आपको ना किसी ने शापित किया है। तुम ना साला ये सब देखना बंद करो बोरा गए हो का? अबे असल जिंदगी में ऐसा थोड़ा ही होता है। आपके साथ जो ये हो रहा है ये भी असल जिंदगी में नहीं ना होता है। हमको ऐसा लगता है गुड्डू भैया क्योंकि आपने इतनी लड़कियों के साथ है खेला ऊपर वाले ने गोल्डन कर दिया है आपका चेला। जब तुम 5-6 साल में कभी पते की बात करते हो ना तो उसके बाद अपना मुंह बंद कर दिया करो ताकि सामने वाले को शक ना हो कि गलती से किया है। लेकिन बात पते की है ऐसा हो सकता है कि हम पे कोई काला जादू कर दिया हो। कलकत्ते का काला जादू तो वैसे भी वर्ल्ड फेमस है लेकिन हमारे साथ ऐसा करेगा कौन? याद कीजिए ना कोई ऐसी लड़की है जिसको काला जादू टोना टोटका में इंटरेस्ट हो। हम लड़कियों के शौक पूछने नहीं जाते अपने शौक पूरे करने जाते। तो अगली बार शौक पूछ लेना ताकि आपको ऐसा शौक ना लगे। आपको तो याद भी नहीं होगा आपने कहां कहां पे जाके वॉशिंग पाउडर बेचा है। वॉशिंग पाउडर? अरे लड्डू आज तो तुम खुद का 5-6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दियो। रुको 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 एक सेकंड रुको। ये देखो इसमें पिछला 3 महीने का दिन दिन का रिकॉर्ड है। लेकिन साला जाके एक एक से पूछना पड़ेगा किसका लिए था क्या पता। गुड्डू भैया अगर उससे पहले की कोई हुई तो? साला कभी उम्मीद जगाने की बात मत करना हमेशा गुस्सा दिलाने की बात याद करना।
उल्लू का पट्टा पास दे चकना। साला इतना सेक्सी लगेंगे ना कि सांप देने वाली को भी साक लग जाएगा। इतना फुसफुसा के कहाँ जा रहे हैं? छोरियों को मिलने। हैनकॉक लग रहे हैं एकदम। इसका क्या करें लड्डू? कयामत का फन यह गुड्डू की गन। काला जादू जादू। अरे हाँ ये देखो कहाँ हो गया। एकदम ओरिजिनल माल है। ओल्ड इज गोल्ड चक्रवर्ती मुसाई। ओल्ड इज गोल्ड एंटीक पीस है। अरे बीवी को छोड़कर हर पुराना चीज का वैल्यू है आज की डेट में। बीवी हेलो लाभ कुल्लेन। कुरियर आया तुम्हारा, दो। अरे ऐसी भी क्या आग लगी थी कि पर्दे भी नहीं किए। खैर आपके घर के पर्दे पर पहली बार एक नए उभरते निर्देशक की पेशकश। ए बाबू मशाय, इसे देखकर सच से इनकार मत करना और हमारे फोन कॉल का इंतजार करना। अगले 10-15 मिनट हम अंदर में जरूरी काम में बिजी रहेगा। डोंट डिस्टर्ब मी। डिस्टर्ब मत करना। आज से पहले हम तुमको कब डिस्टर्ब किया है? मेरे कहने का मतलब है कि मैं अंदर में हूँ, जरूरत हो तो बताना। ठीक है तुम्हारे लिए मैं हूँ एंटीक मोशाई। मुझे पुरानी और अजब चीजें ही भाए और बीबी अपनी उंगलियों पे नचाए। अरे सुनो काजल, देखो हमें माफ कर दो, हम बिना चेतावनी आ गए लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाए। तुम्हें ही खाने की कोशिश। मिस्टर मुखोपाध्याय भीतर में है, तुम अभी जाओ। अरे हाँ हम चले जाएंगे, बस इतना बता दो क्या तुम हम पे कोई जादू की होगा? जादू तो तुम किया हम पे। तुम समझ नहीं रही हो, तुम इसको पूरा देखो। अरे अंदर से देखो समझ में आएगा। अरे देखो सोना किला राजू। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम्हारे वियोग में गुड्डू के साथ सम्मान कर बैठी। किंतु आनंदो उस समय भी ना हमारा सामने तुम्हारा ही फेस था शांति। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। ये सब गलती मेरी। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ शुद्ध देसी रोमांस करना चाहिए था। लेकिन वो वीडियो में जो आदमी दिखाया वही आदमी अभी आया था ना, वो मेरे रहते हुए इस घर में आता है, इतना बड़ा हिम्मत कौन है? वो कौन है? आनंदो, उसको उसकी की का सौजा मिल गया, छोड़ो उसे।
क्या मतलब? मेरे बीबी के साथ सोने की कीमत वो सोने से ही चुकाना पड़ेगा। अरे सेट डाउन, मारवाड़ी नाम है मेरा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं दूसरी कमिटमेंट लेता हूँ और उसके बाद तीसरी। क्या है कि आदमी कभी कभी पहली कमिटमेंट भूल जाता है। ये है डॉन मड़वाड़ी, इनका दिल है छोटा, बड़ी है गाड़ी और धंधा पूरा सरकारी। अरे बोला ना सेठ, मैं तुम्हारा केस देखता हूँ, टेलीफोन रखो। सर चेतला से निकालू या कालीघाट से? मैं तेरी मर्जी। एडी एडी। यस बस, यस बस। सेंस आपका फोन था, पूछ रहे थे उनका काम हुआ क्यों नहीं अभी तक। सर बीबीडी बाग से निकालू या हावड़ा से? अबे कहीं से भी ले ले। लेकिन बॉस सेंस साहब का कौन सा काम बॉस? अरे सेंस साहब को अपने बीवी को उड़ाना था ना। तो अपने लड़के कर क्या रहे हैं इस साल? बॉस लड़कों के पास टाइम ही कहाँ है। सर बेहाला से लूँ या पार्क स्ट्रीट से? सब बेकार है साले, एक नंबर के बेकार। सर 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 लेफ्ट से लूँ कि राइट से? टाउन में से ले ले साले। चोर रूबी? अरे रूबी क्या हो गया? मेरा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें हंसी आ रही है? आप बड़े क्यूट लग रहे हो। यस। अरे लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? नहीं मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ। एक मिनट। क्या हुआ? पर एक अनजान आदमी। हाँ? तुम्हें अपनी दिखाने क्यों आएगा? तुम्हारा उसके साथ क्या कनेक्शन है? तुम उसके साथ सोई हो ना? आराम खबर, मैं तेरा वो हाल करूंगा रूबी के कांप उठेगी तेरी रूबी। माँ की आंख उधर क्या देख रही है? अगर उन बच्चों का ख्याल न होता ना तो कब का तुझे उड़ा दिया होता। सॉरी सॉरी। अच्छा एक बात बता, गुड्डू कब से जानती है तू? गुड्डू को? पांच सालों से। और उन बच्चों की उम्र क्या है? कुछ चार साल और तीन महीने। गुड्डू भैया, आपने कुछ खाया? सुबह से सिर्फ धक्के खाए हैं लड्डू। ओह शॉप वाली एक भी आइटम नहीं मिली क्या? नहीं रे। ओह किसी पे शक? अबे यार सुबह से जिन जिन के भी घर हम गए ना वो हमें देखकर इतना खुश हुई है जितना अपने पति को देखकर ना होती। और क्यों ना, छोटी नाटी मोटी बोधी बेटी जवान बूढ़ी, हमने किसी में कोई भेदभाव न करते हुए सबको सिर्फ खुशियां ही बांटी। फिर हमें साथ देगा कौन? गुड्डू भैया लिस्ट की जो भी लड़कियां थी वो सारी हो गई क्या? नहीं रे अभी एक बची। बस वही है फिर। अब अगर वो भी ना हुई ना लड्डू तो इसे पुरानी वाली लिस्ट निकालनी पड़ेगी। अबे कहां फंस गए यार हम। अरे गुड्डू भैया जब हम उम्मीद जगाने वाली बात करते हैं तो आप हमको सीरियसली नहीं ना लेते हैं। सॉरी। अबे घंटे की उम्मीद जगा रहे हो यार तुम। गुड्डू भैया वो सुबह एक पत्रकार आया था। हा? क्यों? आपके बारे में पूछ रहा था। अच्छा? हमने कह दिया घर पे नहीं है, लगता है उसको भनक लग गई है। अबे कब तक छुपाएंगे और किससे छुपाएंगे, एक ना एक दिन ये बात बाहर आ ही जाएगी पता है। गुड्डू भैया इस बात को बाहर आ जाने दीजिए, अगर ये बात बाहर आ गई तो हम इसको चमत्कार घोषित कर देंगे। गुड्डू बाबा का चमत्कार, आइए इस पे दान दक्षिणा चढ़ाइए, दूध जल चढ़ाइए, क्योंकि ये है हमारे गुड्डू बाबा द लॉर्ड ऑफ द लिंक्स टिंग। मेरा श्राप काम कर गया, मुझ में अभी भी काली माँ की शक्ति है। मतबल हमार मैन पावर को गोल्डन टावर बनाने वाले आप हैं।
अरे लेकिन आप तो पुरुष हो, आपको हमने हाथ भी नहीं लगाए, क्यों किया ऐसा हमारे साथ? उनसे क्या पूछते हो, मुझसे बात करो। अरे बोली, अब आप देखिए, अरे नीचे आओ, हम बात करने तो आए थे, ये देखो तुम्हारे दादाजी हमारे साथ क्या किए, हमारे मर्दानगी का बुरा हाल कर डाले। अरे जल्दी आओ, अब समझाओ अपने दादाजी को ये सब, शाप आप वापस लेकर नॉर्मल कर दे हमको, बहुत गलत किया तुम्हारे दादाजी हमारे साथ। और तुमने तुमने सही किया क्या मेरे साथ? तुम भी औरों जैसे निकले गुड्डू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था बस तुम ही हो। किससे मिलना है? सॉरी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम चलते हैं। अरे पर आपको चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, हमारी गलती है, हमें आना ही नहीं चाहिए था, सॉरी। अरे मिस्टर, आपने दरवाजा क्यों खटखटाया? जी हम गुड्डू हैं, वॉशिंग पाउडर सेल्समैन, पाउडर बेचने आए थे, लेकिन आपको देखा तो लगा कि इतनी खूबसूरत नाजुक सी लड़की से कपड़े धुलवाना क्या, कोई भी काम करवाना पाप करवाने बराबर है, और हम ये पाप नहीं कर सकते, चलते हैं। सो सॉरी। एक सेकेंड जी, आपका नाम क्या है? अब रहने दीजिए, मत बताइए। असल में इतने प्यार से तरासे हुए मासूम भोले चेहरे का कोई नाम होना ही नहीं चाहिए, बस अदाएं होनी चाहिए, हंसी की सरगम बजनी चाहिए, रेशमी जुल्फों की घटाएं होनी चाहिए। एक नाम तो इनको बहुत ही छोटा कर देगा रे। चलता हूं। एक और बात जी, अपना ख्याल रखना। खुली आंखों से देखता हूं क्यों ख्वाब आजकल, उसके चेहरे से क्यों है गुलाब आजकल। रूबरू है एक नई सी दुनिया, देखी नहीं पहले कभी ऐसी दुनिया, ओ दिल मीठी सी खलिश है आशिकी यहाँ, रहते रहते जाने लगा सीने से कहाँ, ओ दिल जादू सा हो गया, कुछ तो है जो खो गया, बेसब्री बेहिसाब है क्यों, धीमा क्यों है शहर, बादामी दोपहर, उसके चेहरे से है गुलाब क्यों, रहबर भागे अब हवाएं, जिस तरफ भी जाऊं है बरसती बस दुआएं, छोटी छोटी बातों पे भी अब हो रही हूँ खुश मैं, तुझसे मिलके कुछ भी नहीं से हो गई हूँ कुछ मैं, जादू सा हो गया, कुछ तो है जो खो गया, बेसब्री बेहिसाब है क्यों, रहबरावे रहबरावे।
कहाँ रह गई थी तू? उधर देखो, क्या हुआ बेटा? दादू, क्या हुआ? उसके बाद फिर वो दोबारा नहीं मिला। पूछताछ करने से पता चला कि गुड्डू का काम ही है ये। वो अपने वॉशिंग पाउडर की तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से भोली भाली लड़कियों को पहले भिगोता है, फिर उन्हें निचोड़ता है और फिर उन्हें सूखे कपड़े की तरह तार पर डालकर चला जाता है। सब भोली कहते हैं, पर मैं एक बात समझ गई हूँ कि चालाकी जिंदगी में इंसान को आगे तो जरूर पहुंचा देती है, मगर जब चाल उल्टी पड़ती है ना, तो आदमी इतनी जोर से गिरता है कि आवाज नहीं होती, धमाका होता है। अरे इस धमाका में भी कोई आवाज नहीं आई ना। अरे हमें माफ कर दो भोली, भर दो हमारी झोली। दादाजी आप तो हम मानते हैं अपने मैनहुड का इस्तेमाल रॉबिनहुड बन के किए, लेकिन आप भी तो कभी जवान थे, आपको अपनी जवानी का वास्ता, समझिए ना, माफ कर दीजिए हमें। अरे भोली, भोली देखो, हम मानते हैं हमने जो तुम्हारे साथ किया वो रावण ने सीता के साथ और दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ किया था, छल, और इस छल का फल हमें मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा फल जिसे लेकर हमें पल पल निर्बल होकर जीना पड़े, हम ऐसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे भोली, इसीलिए कह रहे हैं प्लीज आप ही साहब वापस ले लीजिए। देखो शराब वापस ले लो, वरना हम अपनी जान दे देंगे। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है, मर जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। रुक जाओ। थैंक यू दादू, इसे माफ कर दीजिए। हाँ नहीं, मेरा शराब वापस नहीं ले सकता, लेकिन लेकिन क्या? प्यार का खेल खेलते आए अब तक तुम सबके साथ, हाँ? अब प्यार तुम्हारा साथ खेलेगा, जाओ जाकर प्यार की तलाश करो, एक सच्चे प्यार की। जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारा सामने आएगा, उस दिन तुम ठीक हो जाओगे। सच्चा प्यार? और जब तक वो सामने रहेगा तुम ठीक रहोगे, नॉर्मल रहोगे, पर अगर हमेशा के लिए तुम्हें नॉर्मल होना है तो उस लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, उसकी मर्जी से, उसे मंगल सूत्र डालकर, काम सूत्र डालकर नहीं, सात फेरे लेने पड़ेंगे, तब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अगर कभी तुमने उसके साथ भी धोखा किया तो तुम्हारा लिंग हमेशा के लिए सोने का हो जाएगा, फिर तुम न रहोगे पुलिंग, न स्त्रीलिंग, आओ त्रिलिंग। अबे अघोरी कहीं के, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा साथ देता है का? सच्चा प्यार अब कहां ढूंढे? सच्चा प्यार स्विट्जरलैंड में? बर्बाद कर दिया हमको। हम तो तुम्हें समझे थे पंछी सारस, लेकिन तुम निकली पत्थर पारस। भोली, सच्चा प्यार? देखो जहाँ हंसी जिगर, हंसी नजर, हंसी उमर, मारा मारा फिरे अकेला ही गुड्डू इधर उधर। ओ गुड्डू उड़ा उड़ा क्यों है पता कलर तेरा? ओ गुड्डू
खोलो, हम हैं। अबे जल्दी खोलो यार, हमारा दिमाग वैसे ही खराब है। हटो अभी। लड्डू तुम्हें भी कोई साफ दे दिया क्या? अबे हो कौन? गुड्डू भैया हम यहाँ हैं। ये जबरदस्ती घर में घुसा है हमको धक्का देके और यहाँ धूम मचा रहा है। तुम घुसने काहे दिए? अरे हम बोले इनको। और तुम काहे तन के खड़े हो बे? हम घर पे नहीं है तो घुसा है? संग्रहालय है क्या हमारा घर? अरे ऊपर तक तन के दिखा रहे हो, भैंसे जैसी बॉडी बना लिए, लड्डू को डराते हो? काहे मारू मारी का साले, दोबारा दिखे ना तो इतना भी नहीं। तू कहाँ पे अबे कर रहा है? तो ये गुड्डू है ना? आहू का उगाड़ लेगा, हमारे साथ चल। काहे? अरे चल बताते। अबे जाओ। तुम में से गुड्डू कौन है? अबे हम हैं गुड्डू। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? बोटानिकल गार्डन। अबे हो कौन हो तुम लोग? गुड्डू हमारे साथ जाएगा। नहीं हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा। जाओ हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा। बड़ा डिमांड है यार हमारा। जाना कहाँ है? हो कौन तुम लोग? हमें एंटिक मोशाई ने भेजा है। हमें डॉन मारवाड़ी ने भेजा है। ओ तो हमें लश्कर ए तैयबा ने भेजा है। ये वाला अब बताओ क्या बोलते हो? बोलो नहीं बेटा, खोलो। खोलो क्या? अपनी पैंट। सबको पता चल गया है कलकत्ते में सोने का कुतुब मीनार हो गया है, तो सब दर्शन करने आए हैं, तो भागो। भाई साहब ऐसा है, आप लोग नाराज मत होइए, टॉस कर लेते हैं ना। अकड़ बक्कड़ बम्बी बोर 80-90 पूरे 100-100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। सर, यू आर डॉक्टर साहब है का? थोड़ा बिजी, सिट बैठो। हाँ हम यहाँ ही वेट कर लेंगे। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन सर। किस लिए? गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ गया सर, गुड फॉर यू। रुम्मा नल्लर के वो मैं सॉरी। हेलो अखिलेश। हाँ वो बेगन मुर्गन आया। मेरा पप्पू बना है, वो उधर है, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ उसको। तुम उसको रोक के रखो, मैं भी आता हूँ। ठीक शीघ्र मांगा ओके। बॉस क्या बताऊं, साला हाथ आते आते रह गया। लड़के थोड़ा थक गए हैं, बस दो दो अंडे और एक चाय पी लें। अब बैठ। मैंने तुम्हें चाय पीने के लिए रखा है? अबे एडी के बच्चे, अगर आज गुड्डू की गन मेरे गले में लटकी हुई नहीं मिली ना, तो सालों में तुम सब की गन काट दूंगा। चलो भाई चलो। हाँ सर, गुड्डू की गन मिला, वो तो भाग गया। अगर वो गन मुझे नहीं मिली ना, तो मैं तुम सबको गन से उड़ा देंगे, समझे? अरे हराम खोरो, चलो। सॉरी, नो प्रॉब्लम। सरिता, सरिता। इन्हें? हाँ। अखिलेश। कहाँ हो? अयो, इधर ही तो था, किधर गया? पहले कहता हूँ। रेड कुर्ता, ब्लू जीन्स, गुड फैशन सेंस है। सरिता। कुछ बाजीरा जोक तमाशा, एक झूठे होलो पगार पार, उड़े ऐसे जुड़े बोशे थे,
এই কাণ্ড দেখিনি তো আর হিস্ট্রি মিস্ট্রি বেবাকু গুড্ডু বুদ্ধি নবাকু গুড্ডু রাখলে নেই যে মার এল কলকাতায় গুড্ডু মিনার চিনচাকা 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 এল কলকাতায় গুড্ডু মিনার नमस्ते सर, हम लोग वाबा थिएटर ग्रुप से हैं। नाटक के लिए चंदा चाहिए सर। है अबे तुम्हारी चंदा मामा रात को निकलेंगे, अभी सूरत से ही काम चलाओ, हटो। क्या भाई मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला गया क्या? आगे चल। सॉरी। ओए यार तुम। उफ की भीषण धक्का। अरे सॉरी, वो धक्का दे दिया हमको यार। कोनो व्यापार ना, आपके सपोर्ट से ही खड़ा रहेंगे। अरे आप बस हिलना नहीं। अरे छोड़िए, बदतमीज आदमी है आप। तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारा सामने आएगा उस दिन तुम ठीक हो जाओगे। प्यार है क्या यही? तुम कौन है भाई? मैं पत्रकार। कौन सी कार? अखिलेश डिपार्टिंग मंत्री पार्टी। मैं कोलकाता एक्सप्रेस। तो एक जाओ देख लो। अरे हटाइए, क्या एक बार देख लूं? अबे क्या भगवान प्रकट हुए हैं क्या? एक एक करके सब देखेंगे। अरे तुम लोग एक काम करो, एक एक करके कहा देखते हो? मैडम जी एक्सक्यूज मी, साले सब एक साथ देख लो, देखो 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 देखो, देखो क्या बोलते बोला? हाँ पागल हो गया, पागल हो गए हम, देख लिए साला सुबह से दौड़ दौड़ के रख दिया हमको। चलो भागो यहाँ से, सुबह से दिमाग खराब कर दिया, लेडीज को डराते हैं, साला सर में लड़का से महसूस नहीं करता अब। गेट आउट। अजी सुनिए, वो सब गुंडा लोग गया और हमारा शराब भी कुआं में जा चुका है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अपना शकल तो दिखाइए ना, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आप हमारा सच्चा। सच्चा प्यार इतना भयानक। इस साला फिर संतरी की तरह तन गया। अरे सुनिए, ये तो कितना तेज चलती है आप, एक दो 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 मिनट यहाँ रुक जाइए ना, दो मिनट बस। हाँ क्यों? अरे वो हमें बहुत जोर की लगी है। लगी है तो बर्फ लगाइए, मरहम लगाइए, हम क्या करें? अरे ऐसी वैसी चोट ना है, ये अंदरूनी चोट है। ये आवाज कैसी है? क्योंकि आप और हम पहली बार मिले, ऊपर वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहा है, इसे बजने दीजिए। रुकिए मत, अजीब आदमी। अरे अरे रुकिए, अरे रुक जाओ, जाने वाली रुक जा वरना हमारा पॉइंट की लाओ होगा। हो गया छी। अरे रुक, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे रुकिए तो। ये क्या बदतमीजी है? अरे हम हाथ पोछ लिए, साफ है, पर आपका मन साफ नहीं है। देखिए हमारी शादी होने वाली है, ये सब ठीक नहीं है, जाने दीजिए हमें।
शादी। अरे गुड्डू भैया, अरे कहाँ है, कब से ढूंढ रहे हैं, ठीक तो है? ले गए, काट के ले गए। ए, हमारे भैया का काट के ले गए। हटिए, काटे नहीं है, वो नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल हो गया है? हो, डॉक्टर साहब का क्रीम काम कर गया है? नहीं। वो कौन है? वो काल भैरव की पोती है। उस भूड़े के सांप से भी भयानक सांप है। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें हम बाद में समझाएंगे, पहले पता करना पड़ेगा वो भूतनी रहती का है। हाँ बोलो। बॉस, मैंने गुड्डू की गन चेक की, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। छुट्टी? तुम नर्स हो कि मेरी जिंदगी के कर्स हो? अब मैं अपने बॉस को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? हाँ हाँ, कोलकाता के सबसे बड़े डॉन को चूतिया बनाया। भैया हम समझ गए, ये लड़की आपका सच्चा प्यार है, अब सब ठीक हो जाएगा। सच्चा प्यार हमेशा इतना ही कड़वा होता है क्या लड्डू? अरे भैया डोंट बी पेसिमिस्टिक, आइए। चिकन बम बम चिकन बम बम चिकन बम बम चिकन बम बम चिकन बम। नमस्ते बाबूजी। अरे बेटी कहाँ थी तू? मैं अदिति के घर गई थी। बेटी अगले हफ्ते तेरी शादी होने वाली है, इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है, जाओ जाओ जा, अंदर जा। जी बाबूजी। जा। अच्छा। ये देखो भैया, इसका शादी होने वाला है। अरे हम जानते हैं, कमाल है, हमारी चार सुंदर और सुशील बहनें अभी भी कुंवारी बैठी है और यहाँ इसका भी शादी हो रहा है। साले मतलबी, अब हम क्या करें? आप क्या करेंगे, जाइए उसके बाप को पटाइए, और कोई चारा नहीं ना है आपके पास, वरना पूरा जिंदगी आपको ये सोना का स्मगलिंग करना पड़ेगा। अरे नहीं रे, तुम उसका शकल नहीं देखेगा। देखे हैं भैया, बहुत अलग है, इट्स डिफरेंट। जाइए। ए गुड्डू रे, जी नमस्ते बाबूजी। हाँ नमस्ते, हमें आपसे जरा दो मिनट बात करनी है। बाबूजी आज हम जल्दी निकल जाए का? देखो 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे? ठीक है बाबू। क्या चाहिए? जी आपकी बेटी का हाथ चाहिए। हमारा नाम गुड्डू है और हम आपकी बेटी काली से बहुत प्यार करते हैं, और अगर हमें ना मिली ना तो हम अपनी जान दे देंगे। तुम मेरी बेटी काली की ही बात कर रहे हो ना? जी। कब से जानते हो तुम उसको? यही कुछ पिछला 3 घंटा से। और 3 घंटे में तुम्हें उससे प्यार भी हो गया? 3 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे में राहुल सिमरन से विदेश में मिला, उससे प्यार भी किया, फिर भाई एयर पंजाब आया, उसकी शादी तोड़ी, बाबूजी से लड़ा और बाई रेलवे दुल्हनिया ले भी गया। और हम तो केवल बाप तक ही पहुंचे। ऐसी क्या खास बात देखी मेरी बेटी में? अब यही तो हम भी जानना चाहते हैं। क्या सोचने लग गए? सोच रहे नहीं बाबूजी, उका हुआ ना, कल रात को स्वयं काली माता हमारे सपने में प्रकट हुई और हमसे बोली कि बेटा गुड्डू, आज के दिन जो हमारे नाम की पहली लड़की तुमसे टकराएगी ना, वो ही तुम्हारा सच्चा प्यार है। और हमारी किस्मत देखिए, पर्वतों से आज में टकरा गया और आपकी बेटी काली हमें मिल गई। तुम्हें पता है अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी होने वाली है? जी हाँ, इसीलिए तो हम ऐन वक्त पे आ गए ना। लगता है कुछ और ही चक्कर है इस लड़के का। अरे क्या सोच रहे हैं बाबूजी, पूरे कलकत्ते में दिया लेके भी ढूंढेंगे ना तो हम जैसा लड़का नहीं मिलेगा आपको। अरे नहीं नहीं, कुछ सोच नहीं रहे हैं। वो क्या है, तुम्हारा ये हिम्मत देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन की याद आ गई। बेटा एक हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपयों का इंतजाम कर लो तो मेरी बेटी काली तुम्हारी हो गई। 10 लाख? क्यों नहीं है? तो 10 बस। हाँ हाँ। अरे 10 लाख तो हम यूँ चुटकी बजा के जमा कर लेंगे, तो 10 लाख दे दिए तो हमारी शादी पक्की। हाँ डील, पैसे मिलने के बाद हाथ मिलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे चलिए कोई बात नहीं, पैसा लेकर आए। ये क्या है? ये कुछ नहीं बाबूजी, हमको मधुमक्खी काट गई थी। शादी करने के लिए इतना तरस गए हो कि मधुमक्खी के छत्ते में डाल दिया? ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, कैसी सोच है आपकी। हम 10 लाख रुपए लेकर आते हैं। लड्डू हम बर्बाद हो गए,
अबे कैसे रहेंगे हम उस लड़की के साथ? भैया यहीं पे रहिएगा, हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अबे हम उसकी शकल की बात कर रहे हैं, जो उसे एक बार देखता है ना उसका उठता नहीं, उड़ जाता है। भैया सूरत पे मत जाइए, सीरत पे जाइए। अबे हम तीरत पे ही ना चले जाए। एक तो ऐसी शकल वाली लड़की के साथ शादी करो, उस पे से उसे 10 लाख रुपए भी दो। वहां ऊपर वाले तू जब भी लेता है ना थप्पड़ मार मार कर। 10 लाख वो भी एक हफ्ता के अंदर अंदर। भैया इससे बेटर तो ये होगा कि आप उस लड़की को पटा लो और उसके साथ भाग जाओ। उसकी अगले हफ्ते शादी है, वो ना मानेगी। गुड्डू भैया आप तो इस मामले में सेक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट हो, आपकी पर्सनैलिटी से आज तक कौन बच पाया है? हेलो जी, यस माई सेल्फ गुड्डू। ओ गुड्डू प्यारी 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 बहन जी, माता जी, आँखों में लिए ये जार सारी रातें मेरी। अरे हाँ सर पे चढ़ने वाली जवां फीलिंग तेरी, के मुझे मार गई हर एक अदा किलिंग तेरी। ओ दुनिया के रास्ते बड़े ही टेढ़े हैं मैडम, आप प्लीज संभल के चलिए। हर वक्त मेरी ये मजबूत बाहें आपको थामने के लिए थोड़े ही होंगी। जी हाँ मैं चलता हूँ। भगवान के दर्शन नहीं करेंगे? हमारे तो दर्शन हो गए। अरे काली तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढे? क्या है हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? वो कहा है ना कि आज वैलेंटाइन डे है, तो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ वैलेंटाइन डे मनाएं। अपनी शक्ल देखी है? कभी रिपब्लिक डे भी मनाया है? वैलेंटाइन्स डे मनाने चले। अब देखो काली हमारा दिल ना तोड़ो। दिल? वरना हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे ना। वो क्या है ना जी कि हम बिहारी हैं और बिहार में वैलेंटाइन्स डे नहीं मनाते। अरे ऐसा कौन बोला तुमसे, हम भी तो बिहारी हैं और हम रोज वैलेंटाइन डे मनाते हैं बिहारी स्टाइल से। ना मुंबई ना कलकतिया अरे ना दिल्ली स्टाइल से। अरे तो फिर कौन से स्टाइल से भैया? वैलेंटाइन डे मनाई ए बबुआ हम ता बिहारी स्टाइल से। जियो जियो भैया। ना चुम्मा चाटी ना दारू पाटी ना कुछ बुझेला ये दिल देहाती। तू हमरी लिट्टी हम तोहरा चोखा, डायरेक्ट हम ते मारी ले चौका। अरे ना डरो कौनो मिसाइल से, ना डरो कौनो मिसाइल से। वैलेंटाइन मनाई ए बबुआ हम बिहारी स्टाइल से। वैलेंटाइन मनाई ए बबुआ हम बिहारी स्टाइल से। बिहारी स्टाइल से, बिहारी स्टाइल से, बिहारी स्टाइल से, बिहारी स्टाइल से। कोट हिल थाना हिले, कोट हिल थाना हिले, संसद हिले ला हो तोरी। तुम के पेट गोरिया सारा इंडिया हिल ला है गोरी। तुम के पेट गोरिया सारा इंडिया हिल ला ओ गोरी। तुम के पेट गोरिया जो कहते हम करते ना पीछे हम रहते, वादे पे मर मिटते वो जिगरा हम रखते। कुछ पे हो गया ये लट्टू जिया ओ बेबी, कुछ पे हो गया ये लट्टू जिया। हाय लुट गई तू इस माइल से, लुट गई तू इस माइल से।
वैलेंटाइन मनाई ए बेबी हम बिहारी स्टाइल से, वैलेंटाइन मनाई ए बेबी हम बिहारी स्टाइल से, 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 मैं छोरा हूँ देसी, देसी है तेवर, चुटकी में हल कर दूं कैसा भी मैटर, ना प्लेन से ना जहाज से, ना प्लेन से ना जहाज से, चल दुनिया घुमाऊं तुझे साइकिल से, दुनिया घुमाऊं तुझे साइकिल से, वैलेंटाइन डे टाइम डे टाइम डे टाइम 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 डे वैलेंटाइन मनाई ए गोरी हम बिहारी स्टाइल से, वैलेंटाइन मनाई ए गोरी हम बिहारी स्टाइल से, 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 बिहारी स्टाइल से। अरे सुनिए ना, काहे भागे चले जा रही है? हमारा मनोरंजन करने के लिए शुक्रिया, हमारा घर आ गया। अरे आप समझ नहीं रही हमारी बात, हम बहुत सीरियसली कह रहे हैं, अब शादी मनाएंगे हम आपके साथ। आपने जो कहा वो हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई ऐसा मजाक हमसे करता है, पर अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आदत हो गई है। वैसे भी अगले हफ्ते मेरी शादी है। देखिए पहली बात तो ये कि हम मजाक नहीं कर रहे ना, और दूसरी बात ये कि काहे आप ये शादी शादी लगाए रखे हैं। एक बात बताइए, ये जो लड़का से आप शादी कर रही हैं उससे आप सचमुच प्यार भी करती हैं का? मुझ जैसी लड़की को प्यार करने का क्या हक है, पर हाँ जो भी मुझ जैसी लड़की से शादी करना चाहता है उसकी इज्जत जरूर करती हूँ। यही बात तो हम भी सोच रहे हैं, साला कौन ससुरा है जो तुमसे शादी करने को मरा जा रहा है, हमसे भी बड़ा मजबूर होगा। खैर वेलकम बैक लिंगम रिटर्न। काहे के बिहारी वैलेंटाइन, एक लड़की तो पटा नहीं सके, वो भी ऐसी लड़की जिसको कोई पटाना नहीं चाहे। तो क्या करे, नहीं पटी अब उसके बाप को ही पटाना पड़ेगा, साला वो भी पैसा देकर। अरे आप फिक्र नहीं ना कीजिए, एक बहुत बहुत सॉलिड जुगाड़ है हमारे पास। भैया आज तो चंदा दे दो, कब से मांग रहे हैं। अरे भैया तुम एक काम करो ना, हमारे नाम से चंदा मांगना शुरू कर दो, हम तुम्हें कट दे देंगे। अरे हमें जरूरत है यार। क्या कंजूस लोग हो यार। अरे भैया चंदा ही देने को तो कह रहे हैं, किडनी थोड़ा ही मांगे, चप्पल से मारेंगे। नाटक वालों को पैसा नहीं ना देते हम। ये किडनी से एक आइडिया है, तुम्हारे पास तो दो है ना, एक भेज देते। आप भी ना। अच्छा छोड़ो, तुम जुगाड़ के बारे में बताओ ना। अरे गुड्डू भैया यहाँ पे पीछे रोजाना मुकाबला होता है, पंजा लड़ाई का, पहलवानी का, बॉक्सिंग का, और मैनेजर हमारा दोस्त है, अगर भाग लीजिएगा जीत गए तो 5 लाख रुपया इनाम है। 5 लाख? हाँ। अरे तो फिर ले चलो, लड़ा लेंगे हम भी पंजा। गुड्डू भैया सोच लो, भाग लेना है, भाग लेना नहीं है। अबे काहे भागे में, भागे हमारे दुश्मन। हाँ सही बात है, चलिए फिर आज दिखा देंगे, आइए। हाँ तो चलो। अबे तुम कहाँ ले जा रहे हो यार? अरे चलिए तो सही। मारो 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 मारो। कहाँ जगह है यार, यहाँ से चलो, हमें बड़ी गंदी वाली फीलिंग आ रही है। तो भैया डरिए मत, डर के आगे जीत। अरे तुम यहीं रह गए? अरे इधर आओ इधर आओ। शांति शांति। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कच्छ के जंगलों से जो आया हुआ ई जनावर कच्छा सिंह, ई बड़े बड़े पहलवानों को चित्त कर दिया है,
और जो कच्छा सिंह को हरा देगा उसको 5,00,000 रुपया इनाम में दिया जाएगा। लड्डू क्या करो भाई तुम? गुड्डू भैया हम आपको और तकलीफ में नहीं देख सकते। अबे साले तुम पगला गए हो क्या? वे जान जोखिम डालने का कोई जरूरत नहीं है। जान की बाजी लगा देंगे आपकी। तुम्हें आओ लल्लू आओ। काहे फंसा दिए? का नाम है तुम्हारा? गोवर्धन। गोवर्धन भैया कहाँ से आए हो? घर से। अरे सभी घर से आते हैं, जंगल से कोई आते हैं? हम चंपारण बिहार से हैं। अच्छा बिहार से हो, तो तुम ही ने चुनौती दी है। अरे छोड़िए, कोई चुनौती नहीं दी है, धोखा हुआ हमारे साथ। ये साला लड्डू उल्लू का पट्टा, चल घर चलो, तुम साले तुम्हें तोड़ेंगे आज। अरे पिछवाड़े में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं है। चले आते बिहार से। अरे ओ मैनेजर, का बोले बे? अरे काहे इतनी बकर बकर कर रहे हो? इस साला शेर का फोटो लगाए तो खुद को शेर समझ रहे हो क्या? ये ताकत की बात हमसे ना करना, बिहारी हैं, मत्था घूम गया तो फाड़ देंगे साले। अरे तोड़ फाड़ नहीं करना है, कच्छा सिंह से लड़ना है, इसको हराना है। अरे तो बुलाओ कच्छा सिंह का, एक कथा फाड़ देंगे आज तो। अरे हाँ कच्छा सिंह आ जाओ। अपनो साले मैं यही खड़ा हूँ इन दोनों के पीछे। बुलाओ बुलाओ। ये रहे हमारे कच्छा सिंह। सकल, तुम भी बोली को मिले थे का? अब ये कैसा मुकाबला है? नहीं समझे गुड भैया। पहला कांच राव। लड्डू साला इसको भी कोई हम जैसा शाप दे दिया यार। शाप का तो पता नहीं गुड्डू भैया, पर हमको हमको बहुत पाप लगने वाला है। दूसरा सिल्ली तोड़ो राउंड। तीसरा रॉड इज गॉन। आखिरी राउंड उबलता हुआ पानी। महावीर योद्धा, गुड्डू भैया की जय हो। गुड्डू भैया, सुनहरे अक्षरों में जाएगी आपकी कहानी रची और चीर डालेंगे हम तुम्हारी जान बची खुची। अबे ढपोर संग, हमारा केवल लिंग सोने का है, बाकी सब कुछ अभी भी चमड़ी है जो तुमने गर्म पानी डाल के जला दिया। अब हमें परनौ लगाना पड़ेगा साले, अगर हम हार जाते तो हमारा ही मुर्गा लड़ा दिया तुमने। सो सारी गुड्डू भैया, पर हमें पूरा यकीन था कि आप जरूर जीतेंगे, वरना आपके लिंग से सारी बिलिंग भरनी पड़ती। सट अप लड्डू, अभी केवल 5,00,000 का ही इंतजाम हुआ है, बाकी 5,00,000 कहां से लाओगे उल्लू के पट्टे? कमबख्त हमारा तमाशा बना रखा है। उफ तमाशा। गुड्डू भैया की जय हो। आओ घटोत्कच, क्या समाचार लाए हो? आदेश प्रभु। तमाशा? आओ चिरौंजी लाल, तुमसे कुछ बात करनी है। आइए। चांदी तूने कर ली अपनी, दिखा के सोने की गन। एक तुधन्ना सेठ ओ स्वामी, और बाकी सब झंड। बोलो स्वामी जी की जय हो। बोलो स्वामी जी की जय हो। आने दो भाई, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। बाद में बात करते हैं। आइए। स्वामियों के चेहरे पर तेज होता है, आंखों में चमक होती है, पर स्वामी सुनेखनंद जी के
लंगोट में चमक, एक ऐसी सुनहरी चमक जो उन्हें भविष्य की झलक दिखाती है। पाठक जी हमें बताइए, स्वामी जी के शक्तियों का राज क्या है? स्वामी जी ने 20 साल से हिमालय पे घनघोर तपस्या की। एक दिन अलौकिक शक्ति की कृपा हुई और उनके जांघों के बीच में दिव्य लौ प्रकट हुआ। जीते रहो स्वामी जी। मैं पिछले 5 सालों में तकरीबन 50 बार अपने धंधे बदल चुका हूँ, कोई चलता ही नहीं। कोई उपाय बताइए ना। तुम केवल अपनी आंखें बंद करो और इस सोने की रोशनी को देखो। जी आंखें बंद कर लूंगा तो फिर देखूंगा कैसे? मूर्ख बहस मत करो। शांत वीरभद्र शांत। तो बताओ वत्स, क्या खाते हो तुम आटा? जी। तो त्याग दो, क्योंकि आटे से होगा केवल घाटा। अगर खाओगे बंद गोभी तो दुकान बंद होगी, अगर खाओगे मटर तो डाउन होगा शटर। प्याज से बढ़ेगा ब्याज और सॉस से होगा सिर्फ लॉस। इसीलिए खाओ केवल दाल और कमाओ ढेर सारा माल, और जाते जाते इसके झोले में जाओ थोड़ी सी दक्षिणा। जय हो स्वामी जी की, जय हो। जीते रहो। सी यू। स्त्रीलिंग पुल्लिंग डिंग डिंग। जय हो स्वामी जी की। गुड्डू भैया 10 लाख रुपए हो गए। अरे तो भैं बंद करो ये सब तमाशा, चलो यहाँ से। आइए आइए स्वामी जी। दो दो एक साथ। स्वामी सुनेकानंद और गुड्डू महाराज, हमारी समस्या का समाधान नहीं करोगे स्वामी जी? हमें सोने की एक गन की तलाश है, वो हमें कब मिलेगी? ओह सिट, आपका नाम? डॉन मारवाड़ी। गुड्डू भैया लग गए। तुमने मेरे मिसेस काजोल के साथ गंडोगोल किया। तुमने हमारी रूबी के साथ जुबी डूबी किया। अरे अरे शांति रखिए, शांति रखिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा साले। क्या करता है? कराते क्यों? अरे तुम लोग गुड्डू का पीछा क्यों कर रहा है? गुड्डू की गन पर सिर्फ मेरा हक है। गुड्डू ने मेरे बीबी का इज्जत लूटा है, मैं भी उसका इज्जत लूटूंगा। वो गन मेरा है, मेरा। गुड्डू की गन को सबसे पहले मेरी मंगेतर ने देखी थी, तो मेरी हुई। एंजेलिना जोली पिछले साल कोलकाता आया था, मैंने उसको पहली बार देखा था, तो क्या एंजेलिना जोली मेरा हो गया? गुड्डू सबसे पहले इसको मिलेगा गन उसी का। चलो चलो। हेलो लड्डू, एक काम करो तुम सीधा काली भंडार पहुंचो, हम वहीं आ रहे हैं। अरे आप हैं कहाँ? अबे हम आ रहे हैं, तुम वहीं पहुंचो जल्दी। अच्छा हाँ। अबे सुन क्या कहाँ है? Ding dong, ding ding ding.
बार ही उठा लो मजा, ओ सारे एक रोग के हैं ये मारे, मुझे सपनों में लाके बेचारे, कभी लंदन घुमाते फिरे और कभी हॉन्ग कॉन्ग, पर करे कैसे निकालो, वो काली का बाप का मुंह पे मार के आएंगे। बे पैसा दो, किससे बात कर रहे हो तुम? हैं? तुम कौन हो? अब ये लाइट को क्या हुआ? सरिता। इन्ना सर। टर्न इट ऑन। हो। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर, गन दे। क्या? गन दे डॉक्टर। मेरे को गंदा डॉक्टर बोला? तुम साला भुगत, मेरे को गंदा डॉक्टर बोला? तुम गंदा, तुम्हारा खानदान गंदा, तुम्हारा बाप गंदा। अरे डॉक्टर, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर मुझे गुड्डू की गंदे। अम्मा, भलाई वाह। सर, तुम साला भुगत, गौन दिखा के गौन मांगता है। हट। अच्छा बोलो मुझको, गौन के साथ गोली चाहिए? फ्री? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। साला लालची। एक मिनट। आप क्या चाहिए और? बिना गन के ही कहीं मर तो नहीं जाएगा ना? जो गौन दाग दफायर न कर सके, उस गौन का होना न होना एक बराबर है। चॉप इट। मिशन सक्सेसफुल। मैं आपको इसके लिए 2 लाख दूंगा। मेरा लास्ट ऑफर 25 लाख है। टेक अवे और गो ओनली। जीस, लो एडवांस। ये हुई ना बात। आप लोगों को जो चाहिए था आपको मिल गया। If you don't mind, can I take some pic? आप लोगों को नहीं इसका। अच्छा, थैंक यू। द गोल्डन गन। तू भी क्या याद रखेगा रिपोर्टर? टेक योर पिक। किसका नूनू है? और किसका? गुड्डू का। क्या गारंटी है ये तुम्हारा नूनू नहीं है? सर, मेरा नूनू मेरे पास है। एग्जैक्टली, हर आदमी का नूनू उसके साथ जुड़ा रहता है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है सर। कहानी बनाना छोड़ो त्रिपाठी, अगर ये स्टोरी अपने चैनल पे चलानी है तो मुझे गुड्डू और उसका नूनू साथ में जुड़े हुए चाहिए। तुम और तुम्हारे दिमाग की तरह अलग अलग नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गुड्डू और उसका नूनू साथ में जोड़कर दिखाऊंगा आपको।
गन काट के ले गया। 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, दो दिन, सिर्फ दो दिन गन ढूंढ कर वापस लाने के लिए। अगर दो दिन में अपनी गन ढूंढ कर नहीं ला पाए तो तुम हमेशा के लिए बेगन हो जाओगे। हाँ गुड्डू भैया, हमको लगता है ये पौधा फिर से उगाएगा। आप टेंशन मत लीजिए ना, दारू पीजिए। तुम साला चुप करो, एक काम ढंग से होता तुमसे, ना तुम पकड़े जाते ना हम बेघर होते। सारा पैसा भी लगे वो लोग, हमारे जिंदगी में सब बेवकूफ लोग भरे। एक तुम हो, दूसरी वो बदशकल बदसूरत काली जिसे जबरदस्ती गले लगाना पड़ रहा हमें। आज ना हमको एक बात समझ में आ गई गुड्डू भैया, जो भी है ना सब यही है इसी दुनिया में, स्वर्ग नरक सब यही है। जो जैसा करेगा ना उसको यहीं भुगत के जाना पड़ेगा। और आपके साथ जो हुआ है ना गुड्डू भैया, बहुत सही हुआ है वो। आपको किसी की परवाह नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने सबक नहीं सीखा है, आपको बस लेने की पड़ी है, जो सामने आया उसकी ले लो, क्योंकि अपने आगे आपको कोई दिखता नहीं ना। उस भोली का दिल तोड़ दिया आपने और उसके जैसी न जाने कितनी लड़कियां होंगी। जब शरीर पे चोट लगती है ना गुड्डू भैया तो मुंह से गाली निकलती है, पर जब दिल पे चोट लगती है ना तो मुंह से बद्दुआ निकलती है। दुआएं लीजिए गुड्डू भैया, आशीष लीजिए, बद्दुआएं मत लीजिए। और खोट हम में नहीं है गुड्डू भैया, खोट आपके दिल में है। वरना क्या वजह है कि वो काली आपको पसंद नहीं कर रही है? आपके लिए लड़की पटाना कोई मुश्किल काम है? काहे नहीं पटा पा रहे हैं उसको? क्योंकि वो जानती है कि आपके दिल में खोट है। आपने कभी सच्चे दिल से उसको चाहा ही नहीं है। हम मिले उस लड़की से और मिलते ही समझ गए थे वो बहुत सुलझी हुई लड़की है गुड्डू भैया, पर आपको उससे क्या, आप तो बस खूबसूरती के पीछे भागते हैं, ऊपरी खूबसूरती। तो भागिया, एक बात हमारा याद रखिएगा गुड्डू भैया, खूबसीरत खूबसूरत से बहुत बड़ा होता है। तुम साला, तुमको बहुत मारेंगे हम। देखिए देखिए, कॉल छोड़ी सर, कॉल छोड़ी सर। देखिए मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी स्टोरी से मतलब था और कुछ नहीं, और वो भी मुझे नहीं मिली। लेकिन मैं आपके पास एक ऑफर लेकर आया हूँ। अबे गुड्डू भैया की गन ले जा चुके हो, अब क्या जान लेने आए हो? नहीं जान का मैं क्या करूँ? अबे तुमको चप्पल से मारेंगे। हाथ से बात मत कीजिए, देखिए हाथ से बात मत कीजिए, बता दीजिए। सुन तो लो क्या बोल रहा है, काय आए बे तुम? मैं तुम्हें तुम्हारी गन लाने में मदद करूंगा, बदले में तुम्हें अपनी गन के साथ एक इंटरव्यू देना होगा और एक एक्सक्लूसिव फोटो। मंजूर है तो बोलो। Old is gold, Mr. Pyare. This is very rare piece. Only one of its kind in the whole world. Yeah. How much for it? 50 lakhs in Indian currency. Very cheap. Deal. हम उससे मिले, उससे पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ कल बहुत बदतमीजी से पेश आए लड्डू, सब शराब भी गिरा दिया तुम्हारे ऊपर, गलत किया हम, हमें माफ कर दो। अरे गुड्डू भैया क्या बोल रहे हैं आप हमारे आइडल हैं,
आपका तो हक बनता है। हम ही जोश जोश में कुछ ज्यादा बोल दिए शायद। नहीं रे, तुम कल बात बात में बहुत बड़ी बात बोल गए, बहुत बड़ी बात। अरे गुड भैया, अच्छा ये छोड़िए, इमोशनल अत्याचार मत कीजिए, लोग देख रहे हैं उल्टा मतलब निकालेंगे। तुम ना साले, पूरा इमोशनल मोमेंट का माँ भाई फाड़ में जाओ। ए काली, देखो हम तुमसे आखिरी बार पूछ रहे, बनोगी हमारी घरवाली? अरे भाग चलो हमारे साथ। गुड्डू, हम जानते हैं तुम हमसे सच में शादी करना चाहते हो। हाँ। पर तुमने आने में देर कर दी। आज हमारी शादी है, और अगर हम अभी तुम्हारे साथ भाग गए तो बाबूजी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मुंह दिखाने लायक? अरे पागल, हम किसी को कुछ भी दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देखो काली, अगर तुम हमारे साथ सीधी तरह से नहीं चली ना, तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम खुद नहीं भाग सकते, पर अगर कोई हमें भगा के ले जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अरे अब कौन आएगा भगा? ये गाड़ी तुम्हारी है? चलो जबरदस्ती ले जा रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। बैठो आई, जल्दी जल्दी भगाओ। अरे भगाओ, तुम भगाओ भैया। अरे रुको रुको, गाड़ी रोको, हम रह गए। जल्दी चलो, अरे गाड़ी अपने आप आगे चल रही, रोको। क्या हो गया? अरे अरे क्या सुना दिया? अरे अरे अपनी मर्जी से भागी थी। तो पहले बोलना चाहिए ना, वार्निंग नहीं दिया तुम लोग मेरे को? अरे वार्निंग बोले तो क्या मार दोगे? अरे वो छोड़ो, अभी कभी ठीक होगी। अब एक घंटा में हो जाएगी ना। कमाल है, अभी ठीक है, अभी आराम से। अरे पूछना चाहिए ना, कुछ जबरदस्ती बेचारी को बेहोश कर दिया, अपनी मर्जी से। लड्डू तुम ये बाजू आके बैठो। काय भैया? अरे जगह बदली करो यार, काय पूछ रहे हो? यहाँ खिड़की नहीं खुल रही, गर्मी लग रही है। उसको हम संभाल लेंगे, तुम आओ। हाँ? ज्यादा टेंशन ना लो, तकलीफ में ना आ जाए। अरे तकलीफ साले तुम हो, जल्दी आओ। गुड्डू भैया, अबे साले इतना लंबे हो, मैं छोटा है। काहे इतना टचिंग कर रहे हो, आराम से जाओ। आई देखो खिड़की है ना, यहाँ पे हवा आएगा। अरे ये कैसा गलत बेहोश होती है बार बार। तुम बैठो, हम संभाल लेंगे इनको। लाओ लड्डू चाकू दो जल्दी। हाँ भैया, अबे साले ये क्या है? इसमें वो चाकू का अटैचमेंट है। अबे घटे किडनैप करना है, नाखून नहीं काटने। भैया इतना पैसा में इतना ही मिलेगा? अरे गुड्डू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दांत से खोलो भैया, दांत से। अरे इसे खाओगे क्या? अरे रुक जाओ यार। हाँ, अब चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना हलाल कर देंगे। अरे गुड्डू तुम्हें ये चाकू दिखाने की क्या जरूरत है? तुम मुझे जहाँ बोलोगे मैं वैसे ही तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अरे हाँ, हलाल तो तुम पहले ही कर चुके हो। अरे छोड़िए, हम आपका किडनैप कर रहे हैं, चलिए साथ। किडनैप? बच्चों के अलावा मैं नहीं जा रही हूँ, इन्हें साथ में लेना ही पड़ेगा। अरे पिकनिक पर नहीं जा रहे, किडनैप कर रहे हैं, चलो। तो फिर मैं नहीं आ रही हूँ। अरे रुकी गाड़ी में, जगह नहीं, समझा करो। बच्चों को साथ में। अरे काहे गुंडा? अच्छा पकड़ो पकड़ो। अरे चल रहे चल रहे, चलो गाड़ी में बैठो। समझ समझ, आजा फिर टॉवल भी लेकर जाना है। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात। हेलो, हां ए डॉन, हम गुड्डू बोल रहे हैं, और तुम्हारा बीबी हमारा कब्ज में है। कब्ज नहीं भैया, कब्जा होगा ना, कब्ज तो तब होता है जब आपकी टट्टियां बंद हो जाए। हेलो, हाँ तुम्हारा बीबी हमारा कब्जे में है। क्या बकवास कर रहा है? हमने उसका चीरहरण कर लिया। अपहरण? अपहरण? चीरहरण? साले तुम ही दे दो धमकी, तुम्हें सब आता है किडनैपिंग के बारे में। सॉरी, हम सपोर्टिंग एक्टर है, सपोर्ट कर रहे थे। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तुम्हारा बीबी हमारा कब्जे में, और साले अगर हमको एक घंटे में हमारा गन नहीं मिला ना, तो तुम्हें तुम्हारी बीबी कभी नहीं मिलेगी। मैं मत कर वापस, मैं दूसरी ले आऊंगा। तेरे साथ ज्यादा खुश रहती है। क्या बोल रहा है? हेलो हेलो, तुम्हारा बीवी के साथ साथ तुम्हारा कच्चा भी हमारे साथ है। बच्चा, हाँ, बच्चा, बच्चा, बच्चा भी हमारे साथ है। ए, गुड्डू, तूने हमारे बच्चों को हाथ क्या लगाया? क्या हो बस? साले अभी हाथ न लगाए, लेकिन एक घंटे में हमें हमारा गन ना मिला ना, तो उन्हें ठिकाना जरूर लगा दे, समझे? ओवर एंड आउट। गुड्डू, तू क्या हो बस? भैया ओवर एंड आउट वॉज वेरी नाइस। अच्छा दिया ना, हमें भी लगा ऐसा। हाँ आंटी मुशाय। हेलो, मुझे गुड्डू की गन वापस चाहिए। अरे डॉन मुशाय, ओल्ड इज गोल्ड एंड सोल्ड इज सोल्ड। देखो आंटी, मेरी बीवी बच्चे गुड्डू के कब्जे में है, वो उन्हें मार डालेगा यार। अरे मैं सब सब समझता हूँ डॉन मुशाय, सब समझता हूँ। आपको कोई बकरा मिल गया है और नियत बदल चुका है। हाँ। अरे नहीं यार, मेरा यकीन करो। देखो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 30 लाख दे दूंगा।
नहीं 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 चलो 40 अच्छा 50 में फाइनल करो। मैंने वो गान ऑलरेडी एक टारकिस कस्टमर को भेज दिया है। अबे साले कब से केबीसी केबीसी खेल रहा है, पहले नहीं बता सकता ना? केबीसी क्या, मैं कब से बना रहा चूजिया। चार सेकंड वापस ले क्या? नहीं 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 कर सकता। एंटी सर किडनैप हो गया सर, किडनैप हो गया। किसका? मेरी भूल जैसी बेटी का। अच्छा, और मुझे पूरा शक है कि ये काम गुड्डू नाम के किसी लड़के का है। अच्छा, आज मेरी बेटी की शादी भी है सर। तो आपको FIR लिखवाना पड़ेगा। अच्छा। आपके पास कोई फोटो वगैरह है लड़की का? हाँ है ना। हाँ, ये मेरी भूल जैसी बेटी। हमें भूख लग रही है बेटा, बहुत भूख लगी है। तुम्हें भी भूख लगी है? हाँ, अभी खाना खिलाएंगे। बच्चों को भूख लगी है, किसी रेस्टोरेंट पे रोको। पागल हो क्या? अरे गुड्डू भैया, यहाँ आगे ना एक बहुत अच्छा होटल है, वहाँ माचेर झोल मिलता है, बहुत बढ़िया, वहाँ रुक ले। अरे चुप करो माचेर झोल, ऐसा कैसे रोक दे गाड़ी, किसी को शक पड़ जाए तो? अगर तुमने इन्हें खाना नहीं खिलाया ना, तो ये इतना चिल्लाएंगे कि किसी को नहीं सभी को शक पड़ जाएगा। गाड़ी रोको। रोक दो फिर। लो आप खा लो अम्मा। अरे तुम खुद क्या खा रहे हो, बच्चों को खिलाओ ना, बच्चों को। खाओ खाओ खाओ, भूख लगा है। और कुछ जूस वगैरह लीजिएगा क्या? और कुछ साले पिकनिक मनाना है क्या? जल्दी आओ। हाँ। जूस पिएगा पागल। जूस बज गया, अब हम पी सकते हैं जूस। अरे काली, अरे तुम ठीक हो ना? सॉरी, सरिता ने तुमको गलती से बेहोश कर दी, उसको कुछ पता नहीं है ना? तुम्हारा सर्वर ठीक है ना? कुछ खाओगी पियोगी, तुम ठीक हो ना? वो लोग बस खाना खा रहे हैं, अभी चलेंगे यहाँ से। थैंक यू गुड्डू। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? हमें किडनैप करने के लिए। मेंशन नॉट। पता है, हम जिस लड़के से शादी कर रहे थे, हमें लगा कि वो हमें पसंद करता है, इसलिए शादी करना चाहता है। पर पता चला बाबूजी उसे 10 लाख रुपए दे रहे थे हमसे शादी करने के लिए, और आज सुबह उसने 5 और की मांग की। बाबूजी अपनी दुकान बेचने चले थे, पर हम इतने खुदगर्ज नहीं हैं। हम सोच ही रहे थे कि क्या करें, इतने में तुम आ गए, इसलिए थैंक यू फॉर किडनैपिंग। काली, तुम्हें पता है कि हम तुमसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आपके उस प्रॉब्लम के बारे में लड्डू ने हमें उसी रात सब कुछ बता दिया था, तभी हम सोच रहे थे आप हमारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। फिर सोचा कि अगर हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। मतलब हम एक दूसरे के साथ केवल मतलब के लिए ही हैं? शायद। हमें तो अभी अभी ऐसा लगने लगा था कि हमारे बीच में कोई लिंक है। है? लिंक है, ऐसा कनेक्शन जैसा लगा था हमको। आपका और हमारा क्या मेल है? मतलब कहा आप दिन हम रात, दिन और रात का कोई मेल नहीं। मेल है, हर दिन में ना एक वक्त ऐसा होता है जब दिन और रात जरूर मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं ना तो पूरा आसमान में जादू सा हो जाता है। शायद इसीलिए उसे मैजिकार कहते हैं, मैजिकार। पर ऐसा होता है, होता है ऐसा। आंटी। अरे डॉन मोशाई, बोला ना गुड्डू के गान मेरे पास नहीं है। क्या ना कि हमारे पास तुम्हारी बीवी है काजल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। है? क्या सबूत है? सबूत चाहिए तुम्हें? अब मैं तो सबूत। अब आनंदो, मैं अम्मी बोल जी। सुनो, ये लोग हमको एक किडनैप करके लाया, तुमको सबूत चाहिए? ये लोग को जो चाहिए वो दो, और हमको यहाँ से लेके जाओ, वरना हम किसी ना किसी का मर्डर कर देगा। काजोल, ऐसा मत करना, आप धैर्य धरना, हम कुछ करता है। हाँ ठीक है, ठीक है। ओ बाड़ी बंद करके आना, जल्दी आओ। हनी, व्हाट्स दैट? दिस इज द केस टू कीप इट सेफ फ्रॉम बर्गलर्स एंड थीव्स। हेलो हेलो मिस्टर प्यादे। ओह, इट्स
for you, honey. I want my royal piece back. There is a bit of an emergency. I won't sell it back. Please, Mr. Pyade, I will give you 60 lakhs. 10 lakhs extra. Huh? 1 crore. Take it or leave it. Chalo, Don. Police tumhara. Don. दोपहर 3 बजे मेरे बीबी को लेकर होटल सोनट के सामने इंतजार करना, ठीक है? ए गुड्डू, 3 बजे होटल सोनट पहुंच जाना, समझा? अरे चोलोसिया, हाँ सर, गुड्डू की लोकेशन का पता चल गया है, आ जाओ बैठो। हाँ, आया, आया। जल्दी। हाँ चल। हमारी गन कहाँ है? पहले मेरे बच्चे। पापा। बेटा सैमी, होल्ड इट। दूसरा बच्चा और बीबी अभी भी हमारे पास है, हमारी गन वापस करो। अरे लेकिन बच्चे को तो निकाल के लेके आओ। अरे तुम गन दो हमारी पहले यार। अरे मैं देता हूँ ना गन तुम्हारा। अरे इसका फोटो अरे भी रखा है। अरे क्या बात हुई थी? एंटीक मुशर भाई इसी गच्ची। अरे मेरी गन किधर है यार? तुम्हारी गन? अरे गुड्डू की गन यार। अरे हमारी गन इसके पास क्यों है बे? अरे मेरा बीबी का है। काजल, काजल या बोधी, अबे तुम क्या इधर प्रियदर्शन का पिक्चर चल रहा है क्या? तुम फटाफट हमारा गन दो और फिर ही बच्चा और बीबी मिलेगा। हाँ चलो मेरे बच्चे। अरे यार मेरा घर लेके आना। अरे मेरा बीबी का कुछ मत करना। Burning in my store. Eva, what are you doing? Oh, honey, what? I love the royals. My client is outside. He's waiting. Give it back to me. No, mine. You give it to me. Give it to me. Mine, I tell you, it's mine. Shameless woman won't listen to me. Give it back. Disgusting. Absolutely disgusting. What back. Are you doing? It's mine! It's not yours. We have to give it. Money? Mine! Let it go! Give me your money! No! Your royal piece! Your royal piece! Where? Into a truck. No. It was a truck. I have the number. What is the number? WB6848. WB6848. सिर्फ एक घंटा रह गया सूर्यास्त को। पता है यार। अरे बात सुनिए, उसके बाद 48 घंटे खत्म हो जाएंगे, आपका गन बेकार हो जाएगा। हम कह रहे हैं वो सोना को पिघला के ना जेवर बनवा लेते, दीदी का शादी में काम आएगा। साले तुम्हारी माँ का भोके बहन के बैठ छोड़ो। तुम गाड़ी चलाओ यार। पीछा करो पीछा। मैं मेरे बच्चे को तुम्हारा तो मार दूंगा गोली से। तुम पीछे रह। नहीं बस नहीं। आगे ले। चलो चलो। मैं उधर बोला। आगे ले। मैं रुक। आगे ले। अरे मिल गया। पूरे ऐसी से पूरे। कहाँ कहाँ ले गया? ओवरटेक करो उसको। बोला। तुम्हारा हस्बैंड बहुत गलत किया। हमको जवान दिया था वो। तुम्हारा कुछ भी कर रही उसको। अरे गुड्डू भैया, यहाँ है अंदर। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। नमस्कार दोस्तों। अरे लाइट दो यार। वाह वाह थिएटर ग्रुप आपके पास फिर लाए हैं मुगले आजम। आज हमारा शो बहुत ही खास है क्योंकि हमारा चीफ गेस्ट पुलिस कमिश्नर रॉब विश्वास है। तो आइए एंजॉय कीजिए मुगले आजम। डायरेक्टेड बाय अर्जुन। शहंशाह अकबर को अपने साहबजादे सलीम का अनारकली से रिश्ता मंजूर नहीं था। जब उन्होंने एतराज किया तो सलीम ने उनके खिलाफ बगावत कर दी।
अरे लड्डू वो कहे थे खंजर में खंजर ढूंढो पुल, अरे पुल लिखे आ जाओ भैया। जंग से पहले बादशाह अकबर ने एक आखिरी बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। अबे अंदर तो नाटक चल रहा है, वो खंजर और हमारा गन दोनों मंच पर है। भैया मुगले आजम नाटक चल रहा है, 50 बार नाटक देखा है, 20 बार जोधा अकबर। अबे तो उसमें हम क्या करें? अरे एक घंटा लगेगा, उसके बाद गन मिल जाएगी। एक घंटा? अबे एक घंटे में तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी ना लड्डू। भैया सॉरी थोड़ा लंबा है, 2 घंटे लगेंगे। भैया मत कीजिए, जाइए थोड़ा ड्रामा कीजिए, पिक्चर का क्लाइमैक्स है। अबे ड्रामा? अरे चलिए ना भैया, एक्टिंग करेंगे, बड़ा मजा आएगा, मुगले आजम है। सरताज हिंद, शहंशाह हिंदुस्तान, जलालुद्दीन अकबर शहजादे सलीम से मिलने के लिए पधार रहे हैं। अरे चलो यहाँ से देखते हैं ना क्या वो। अरे अरे भैया वाह, चंदा के टाइम तो दिया नहीं, अब क्या मुफ्त का चंदन किसने आया है, है? हड़े जाने दिया। अरे सुनिए ना, आपसे काम था हमें। अरे मगर भैया प्ले चालू हो गया। चलो बात कर, भैया मेरी एंट्री होने वाली है। शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन अकबर शहजादे सलीम से मिलने के लिए पधार रहे हैं। अबे ये अकबर कहाँ चला गया? ये अकबर बादशाह से बुलेशा कैसे हो गया? फाइटिंग कर रहा है क्या? ये ऋतिक रोशन ने ट्रेंड शुरू किया है सर, अकबर विद 6 पैक्स। तख लिया। क्या जिल्ले इलाही, इस बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाया है? अरे बाप रे, लगता गुलजार साहब ने डायलॉग लिखे। हाँ तशरीफ तशरीफ, तारीफ नवाज शरीफ, तकदीर तदबीर, बलबीर शब्बीर, रणबीर रणवीर भवासीर, तारीख तरन्नुम पायले झुनमु झुनमु, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा 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 चरखा चले। पहेलिया मत बुझाइए, साफ साफ कहिए आपको क्या चाहिए? खंजर। खंजर? कोई खंजर से ना मारे मेरे दीवाने को। अरे एक बाप अपने बेटे से क्या मांग सकता है? आपको जो कहना है कह दीजिए। अकबर ये लाइन बोल, अनारकली से नाता तोड़ दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। सुनो, तुम अनारकली की माता छोड़ दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। माता नहीं चूजिए नाता। अरे माता नहीं चूजिए नाता। जिला इलाही। अरे जिला गाजियाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, जिला बंकुरा। आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा। का है? इसका फैसला जंग करेगी। अगर किसी ने अनारकली को छुआ तो मैं ये डाल दूंगा। हाँ मेरा बच्चा, अभी हमें दो। बदतमीज, तुम अपने बाप को ही खंजर दिखा रहे हो। खंजर एक लफा देंगे और जिंदगी कर देंगे बंजर। अब तेरे संग बस होगी जंग जंग जंग। शहजादे सलीम हम आ गए। क्या शहंशाह की ताकत ने राजपूत के वचन को हरा दिया? राजपूत वचन निभाएगा जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। हम जा रहे हैं। अनारकली? अबे अपने आदमी कहाँ है? अनारकली? अनारकली? ये रही अनारकली। बॉस 5 बज गए ना, सब कैंटीन में चाय पी रहे होंगे। सॉरी एक्सक्यूज मी, अरे गिर गया। ये रही अनारकली।
अनारकली, किसने की तुम्हारी ये हालत? इश्क ने, मोहब्बत ने। सॉरी, निशाना गलत लग गया। फिर से बोलो। राजपूत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अनारकली को यहाँ ले आए? अरे जिले लाही, मुझे लगा आप फंस गए हैं। अरे अकबर को कौन फंसा सकता है सिवाय तुम्हारे। अनारकली, अगर तुम ठीक हो तो आ जाओ हमारी बाहों में। चुप करिए, हमारी इनसे शादी होने वाली है। यही हमारा सच्चा प्यार है। जहाँ पना, जहाँ पना, आप जहाँ हमें पना देंगे हम वही रह लेंगे। जब प्यार क्या तो डरना क्या। हाँ, फिर हम अनारकली को लेके चलते हैं यहाँ से। चलो चलो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अनारकली सिर्फ हमारी है। पर आप तो अनारकली से नफरत करते थे, भूल गए? जब आंखों पे पट्टी बंदी होती है तो सिर्फ अंधेरा ही नजर आता है, लेकिन जब आंखें खुल जाती हैं तो इस सूरत के पीछे छुपा हुआ खूबसूरत दिल भी नजर आने लगता है, और इसीलिए कभी कभी शहंशाह अकबर भी बदल जाता है। हम चाहते हैं कभी कभी अनारकली को सलीम के बजाय अकबर से मोहब्बत हो जाती है, वैसे ही कभी कभी होने वाली बीवी होने वाली अम्मा बन जाती है। अम्मा? पर, अरे पर अम्मी जान को क्या कहेंगे? अरे तुम्हारी अम्मी जान से हम कह देंगे। कहा? जोधा बाई बाई बाई। तारीख बदल जाती है, जमाना बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, और इसी तरह अकबर बादशाह भी बदल गए। आप कौन है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। शहंशाह ये हिंद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। रुक जाओ, हम तुम्हें बंदी बनाएंगे बहुरूपिये। अरे हटाओ, काहे बनाओगे बंदी? हम बंदे हैं, और बंदे हैं हम उसके। हम पर किसका जोर, उम्मीदों के। ये खानदानी खंजर हमारा है। अरे पर उसमें सामान तो हमारा है। और ये हमारा है, हमारा है। भैलू पे आया, और ये अनारकली भी नकली है। असली तो मेरे पास है। दो दो अकबर, दो दो अनारकली। अरे ये कौन सी बुक ले आ जा भाई यार? बंद करो ये नाटक। ये सब सारे नकली हैं। हम हैं असली। मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। नहीं राजा मेरे राजा, अच्छे में आ जा, प्राण और के तू सब यही खड़े हैं। चलो लड्डू जल्दी चलो साले। कमीने, मेरी बेटी कहाँ है? हाथ नीचे। बाबूजी हम यहाँ हैं। अरे माफ करो, छुटा नहीं है। बोल। बाबूजी हम हैं काली, देखिए। हाँ, हाँ। बेटी, इसने तुझे काली से
अनारकली बना दिया। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे। सॉरी, गिरफ्तार कर लीजिए। अरे क्या है, हमारा सामान है। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, इसने हमें नहीं भगाया, हम खुद से इसके साथ भागे थे। हाँ, मजाक कर रही है। नहीं बाबूजी, क्या कर रही है, हम सच कह रहे हैं। आकाश की तरफ देखिए। ये आकाश कौन है? अरे आसमान की तरफ देखिए, ऊपर आसमान। जब दिन और रात मिलते हैं तो एक जादू सा छा जाता है, उसे मैजिक आर कहते हैं। वैसे गुड्डू ने अपनी सुनहरी धूप हमारी काली जिंदगी में मिलाकर उसको मैजिक आर बना दिया। बाबूजी, हम सिर्फ गुड्डू से ही शादी करेंगे। गुड्डू से? और आपको किसी को हमसे शादी करने की कीमत नहीं चुकानी। हाँ देखिए, आपका तो फायदा है। प्लीज बाबूजी। पायल आ गए। गुड्डू भैया, मैजिक आवर सूर्यास्त होने वाला है, अभी हमको कॉस्ट्यूम भी बदलने हैं, जल्दी चलिए। अरे हाँ लड्डू भाग। अरे वहाँ से नहीं, यहाँ से। अरे जल्दी आओ, यहाँ से संभल के। धाय धाय धन, धाय धाय धन, कयामत का देख के भैया कहीं टेढ़ा मत जोड़ देना। धाय धाय धन, धाय धाय धन, कयामत का फन यह गुड्डू की गन। गया। हो गई वेल्डिंग भाई, मुबारक हो, हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी। ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए काली। अब गुड्डू जी, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी है। अबे पहले इसकी बारी है। अरे का हुआ गुड्डू भैया, आपका ततैये ने काट लिया का? अबे ततैये के ताऊ तीन दिन से गए नहीं है। गुड्डू का तो मूड ना नॉर्मल हो गया, पर अखिलेश त्रिपाठी को उसकी कहानी अब तक नहीं मिली। दिखा दिया। मेरे पास एक नई स्टोरी का मटेरियल आया सर, एक नया पैशन आया सर, उसके दो नहीं चार चार। इधर मुझे मेरी ज्वालामुखी बीवी काजल वापस मिल गई, और लड्डू ने मेरी बीवी की एमएमएस क्लिप की सारी कॉपीज मुझे भेज दी। मैं कभी कभी उन टिप से टिप्स लेकर अपनी बीवी पर गुड्डू की टेक्निक ट्राई करता हूँ। आजकल बीवी मुझसे खुश रहने लगी है। उधर डॉन जेल से छूट गया, पर उसके दिमाग में अभी भी एक शक था। वो शक उसका दूर हुआ अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाने के बाद। वो बच्चे गुड्डू के नहीं थे, एडी के थे। और मिस्टर प्यादे ने अपनी बीवी को खुश करने का एक नया तरीका निकाला, और भोले ने गुड्डू को माफ कर दिया। कौन कहता है कयामत आएगी सब मर जाएंगे? हम बिहारी हूँ, पेड़ पे चढ़ जाएंगे। ये तुमने अच्छा वाला दिया लड्डू, लेकिन तुम सिर्फ हमें पेड़ पे ही चढ़ाना। अबे शराब वराब कुछ तो पिलाओ, गला सूखे गली हो गया हमारा। अरे गुड्डू भैया, वहाँ तो देखिए गली में आज चांद निकला है, आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे अब कौन सा सरप्राइज दे रहे हो भाई तुम। यहाँ बैठेंगे। तुम लाज लोगी स्मॉल? जो आप पिलाएंगे जी। अरे ये तो बने हुए हैं। सेम सेम। हमारा रिवाज है, पीने से पहले कहते हैं उल्हास हो। अच्छा। ठीक है, उल्हास हो। लड्डू! काला सांड तोड़े तुम्हारी।
नमार खंजर निगाहों से गुड्डू की गन चल जाएगी। पैसा मांगेंगे नमार खंजर हम सोचे थे दिखा के उससे पैसा मांगेंगे गुड्डू की गन चल जाएगी। निगाहों में लगा के सुरमा ना खंजर यूं चला तू जल जाएगा खुद ही दिल में ना अरमान जगा तू वरना गुड्डू की गन चल जाएगी चल जाएगी चल जाएगी। तो हम तुम्हें कर दे देंगे अरे समझा करो हमें जरूरत है। अरे भैया क्या है छोटे मोटे बात कर रहे हमें यहाँ ना अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही चलो यहाँ से तूने जल्दी बोल दी ना लेकिन I'm so sorry गुड्डू बाबा जी ग्रेट द लॉर्ड ऑफ द लिंक्स एक पान लगा कलकत्ता सादा चूना कम तुम हमें तुम क्या डालेंगे अरे हम तो अरे हमारा भैया का साथ के लेगा भाई ले कोई काटे नहीं बे नॉर्मल हो गए मुंह में नहीं दांत है तेरे कब्र में पांव है फिर भी अरमान साथ है तेरे। कुटु भैया हमें पूरा यकीन था कि आप ये जंग कभी नहीं हारे हम आपका एक अवे और गो टू वेरेवर होनी ना दे पे लगाम दिल को कस के दिल घोड़े पे लगाम लगा ख्वाहिशों को यूं फड़ फड़ाने न दे तेरे लिए ऊंचा आसमां है जरा चाहे कितना भी उछल चांद छूना होने वाली भी होने वाली हम भी बन जाते क्यों ही चुप रहे और जुल्म सहते शाम भी अब गिरने है वाली होते इस उम्र के सतरंग सब और ये चल जाएगी चल जाएगी गुड्डू की गन मुगल बादशाह अबुल अलफता मुगल बादशाह अबू अल्फत चल जाएगी गुड्डू की गजने के साल में और किसके बाल होगा मेरा बच्चा